हमीरपुर जनपद में युवक की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने सीएमओ को बंधक बनाया। वही बीमार सुमेरपुर ललपुरा थाना अध्यक्ष ने पहुंचकर कराया गया मुक्त। ग्राम पंचायत बंडा में डेंगू बुखार से युवक की मौत के बाद गांव पहुंचे सीएमओ को ग्रामीणों ने उपचार में लापरवाही बरतने तथा मौके पर जिलाधिकारी को बुलाने की मांग करते हुए बंधक बना लिया। बंधक बनाए जाने के बाद सीएमओ ने डायल 112 कॉल करके मदद की गुहार लगाई। सीएमओ को बंधक बनाने की सूचना पाकर थाना अध्यक्ष बीमार भारी पुलिस बल व पीआरबी टीम के साथ लेकर गांव पहुंचे और बंधक बनाए गए सीएमओ को मुक्त कराकर गांव से बाहर कराया। वहीं बताते चलेंगे सोमवार की रात बंडा गांव निवासी भोला वर्मा के पुत्र सागर वर्मा 20 वर्ष की डेंगू बुखार से ग्रसित होने पर उपचार के दौरान कानपुर में मौत हो गई थी। वहीं मंगलवार को शव गांव आने पर पूर्व प्रधान संजय सिंह ने घटना की जानकारी ट्विटर के माध्यम से मुख्यमंत्री को देकर कार्रवाई की मांग की थी। स्वास्थ्य विभाग की फटकार के बाद बुधवार को सुबह सीएमओ गांव पहुंचे और मृतक युवक के परिजनों से जाकर मुलाकात की। वहीं युवक की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने उपचार में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का आरोप था कि युवक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, वहीं उस समय इलाज में जमकर लापरवाही बरती गई। इसी से युवक की हालत बिगड़ी और जिससे उसकी कानपुर में मौत हो गई। ग्रामीणों ने सीएमओ को घर के दरवाजे पर बैठा लिया और गाड़ी के आगे ईंट पत्थर लगाकर रास्ता रोक लिया। ग्रामीणों की इस हरकत से सहमे सीएमओ डॉक्टर आर के सचान ने डायल 112 को कॉल करके मदद की गुहार लगाई। सीएमओ को बंधक बनाने की सूचना पाकर थानाध्यक्ष बीमार अखिलेश सिंह, सुमेरपुर थानाध्यक्ष श्री प्रकाश यादव व ललपुरा थानाध्यक्ष के साथ गांव पहुंचे। मौके पर पीआरबी टीम भी पहुंची। मतलब बताओ हमारे बच्चे को कैसे मारा गया, आपने क्यों नहीं इलाज किया गया हमारे बच्चे को? तो कह रहे हैं समस्या अब ये डॉक्टर लोग जान सकते हैं, बता सकते हैं क्या कर सकते हैं। हमने कहा आप सीएम साहब हैं, आपको पता नहीं है, आप ऐसी लापरवाही करते हैं कि कोई डॉक्टर वहाँ मिलता नहीं इमरजेंसी में, कंपाउंडर वगैरह रहते हैं। बच्चे को बीमारी तो आप कहाँ ले गए, क्या हुआ? हाँ, बच्चे को हम पहले मौदा ले गए, मौदा से 3-4 घंटे मौदा वालों ने रखा, इसके बाद मौदा वालों ने फिर रेफर कर दिया, हमीरपुर को कर दिया रेफर, हमीरपुर में रेफर किया, वो भी 4-5 घंटे रखे हमीरपुर में आकर के। फिर उनसे हमने कहा कि जाँच तो कर लो, कह रहे हैं यहाँ जाँच की कोई सुविधा नहीं है। हम प्राइवेट में जांच करवाया, जांच करवा कर लाए, फिर उनको दिखाया, वो कहे यहाँ से जल्दी ले जाओ, कोई टेबलेट नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, तुरंत हमको वहाँ से भगा दिया। जांच हमने पकड़ाई, तुरंत वहाँ से भगा दिया, कानपुर ले गए हम। कानपुर जाते जाते हमको 3 घंटे लग गया, वहाँ पहुँचे, वहाँ 2-3 घंटे कानपुर में रहा, बच्चा हमारा दम तोड़ दिया। इतने कितने शाम से 6 बजे कल वो 7 बजे मौदा पहुँचे, मौदा से आकर के 7 बजे जाकर के दम तोड़ता बच्चा। बच्चे का सागर उम्र है 18 से कम है, 18 है। अब मैं उनका दादा हूँ, सागर का दादा हूँ मैं। गांव में कितने लोग डेंगू से बीमार हैं? 8 लोग हैं। कभी इस विषय में कभी जानकारी कभी प्रशासन ने आई? कोई जानकारी अभी तक कोई नहीं आई। ये बच्चा न मरता हो सकता था, ये भी ना आते यहाँ, कोई जानकारी नहीं ली जाती कैसे क्या है गांव वाले की, कोई दवा का कोई छिड़काव नहीं। अब भी भग गए यहाँ से, चले गए, जब भी भग गया। मेरा भाई है छोटा, क्या हुआ है इसको? कुछ नहीं हुआ था सर, अभी 2 दिन पहले ही थोड़ा फीवर हुआ था, ठीक है। इसके बाद हमने तुरंत यहाँ पे थोड़ा इलाज करवाया उसका, उसके बाद हम मौदा ले गए, ठीक है। तो मौदा में उन्होंने मना कर दिया, तो मौदा के बाद हम हमीरपुर ले गए, तो हमीरपुर में इन लोगों ने सर कुछ नहीं करा, ठीक है। बस वहाँ पे ना कोई स्टाफ था ना कुछ, वहाँ पे डॉक्टर थे कोई सही से, वहाँ पे जो कंपाउंडर होते हैं वो आपका इंजेक्शन लगा गया वहाँ पे। हम लड़का हमारा तड़प रहा था वहाँ पे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहा था, ठीक है। तो हम वहाँ पे मतलब देखा कि मतलब तो वहाँ पे कुछ भी उन्होंने कोई स्टाफ ही नहीं है सर हमीरपुर में। कह रहे कि आप प्राइवेट से मतलब रखें कि अरे डॉक्टर आ जाएगा तब हम टेस्ट करेंगे, यहाँ हालत ख़राब हो रही थी। तो इसके बाद हुआ कि वहाँ पे फिर हम प्राइवेट से टेस्ट करवाए थोड़ी पैसे दे के, उसके बाद यहाँ पे देखा कि फिर ये इन्होंने जब बहुत लंबा खींच लिया उसके बाद कह रहे हमसे नहीं हो पाएगा, फिर उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिया, पूरा टाइम बर्बाद कर दिया जब इनको लगा कि बहुत सीरियस हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर हमें कानपुर ले जाना पड़ा, तो कानपुर में जैसे गए वैसे ही दम तोड़ गया लड़के ने। गाँव में कितने लोग अभी मर्ज के बीमार? गाँव में पता नहीं सर, अभी तो देखो पता चला 7-8 लोग बीमार है। गाँव में हालत यह है, इनको ये चीज़ प्रशासन को इनको ये चीज़ भी नहीं समझ में आई कि गांव में और गांव में नियर बाई सारे गांव में ये फैला हुआ डेंगू, ठीक है। तो इन लोगों ने यहाँ पे कोई ऐसा वो नहीं किया, क्या दवा का छिड़काव कराया गया? कभी नहीं छिड़काव हुआ इससे पहले, आज जब हादसा हो गया है सर आज ये छिड़काव करने यहाँ पे आए हुए थे, ठीक है, सिर्फ फॉर्मेलिटी करने यहाँ पे। तो ना इनके अब हम इसी वजह सीएमओ जो साहब आए उनसे हमने सवाल जवाब किए तो उन्होंने साहब मना कर दिया कि हमसे नहीं, डीएम साहब से जाके बात करो। अब हम डीएम साहब के पास जाएंगे, ठीक है। तो ये सब पूरा प्रोसेस चल रहा है, उन्होंने कहा कि हमारी वो स्वीकार भी कर रहे हैं कि हाँ डॉक्टर की फॉल्ट थी, डीएमओ साहब बोले सीएमओ साहब की हाँ डॉक्टर की फॉल्ट थी, उसके बाद भी आप क्या कोई जाँच के आदेश दिए
क्या सर? कोई जांच के आदेश दिए डीएम साहब? हाँ, इन्होंने सीएमओ साहब कहा कि आपने जाके मतलब उनसे बात करो, वहाँ की मतलब डीएम साहब से उनसे जाके बात करना, ठीक है, यही चीज है। तो सर इनके इस फॉल्ट Thank you.